युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 13 जनवरी 2020 दिन सोमवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तृतीय तिथि शाम 5:32 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:51 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:34 से लेकर 9:52 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब जानते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। खर्चा बढ़ने से आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वर्क प्लेस पर आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपको आपकी मेहनत का क्रेडिट भी मिलेगा। आपके सभी अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, बहुत से वाहवाही मिलेगी, बोनस या सैलरी इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, प्रमोशन के अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं। बस आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और व्यर्थ के विवादों में उलझने से बचना है। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य कर। आज आपको अपने सगे संबंधियों से ही नजर लग सकती है, इससे अत्यधिक खुशी का इजहार ना करें। आज आपको अपनी माता जी की कोई बात बुरी लग सकती है, जिस कारण आपका उनसे झगड़ा हो सकता है, पर यदि आप उनसे झगड़ते हैं तो ये आप ही के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होने वाला है। कुंभ राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है या आप अपने सपनों का मकान जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करके नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है वो इस पीड़ा से कुछ हद तक मुक्त हो सकता है।
आपकी जो काल सर्प दोष से जीवन में अस्थिरताएं आ रही हैं, वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। इसके लिए आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर पीपल के वृक्ष के नीचे एक मिट्टी के बर्तन में दूध रखें। इसके पश्चात आप राहु और केतु देवता को ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके काल सर्प दोष में जो भी आपको पीड़ाएं दे रहे हैं उनका शमन करें। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर काल सर्प दोष से आ रही पीड़ाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। You know me as Wayne, or you know me as Dr. Wayne. Before I came here, I was already successful. I don't want to lie. That's why I said negativity became positivity, but positivity became more positive. As you know, Ref Wayne has always been a billionaire. He's always, but now I was at 2. Now I'm saying, no, I'm no more there. I'm now at 8, 9, 10. So I'm higher. And even the negative things that were happening, they've run away. So I would say, experience wise, 100% super. It comes back again. Come and see for yourself. I would love one time just to maybe have a little workshop. It's just that I'm still convincing my guru. He says he will never leave his Shani Dev here because of they are busy. I said, no, guru, one day, just your presence. We need you in South Africa. We need guru in South Africa because of people they need to understand deep. Jai Shani Dev. Hamari Vito. पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।